लोहारू के भिवानी लोहारू रोड पर जमा पानी जा रहा संस्कृति मॉडल स्कूल में नहीं है कोई भी सूद लेने वाला। यूं तो शिक्षा के नाम पर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही आपको नजर आएगा। यह तस्वीरें लोहारू के देवीलाल चौक पर बने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की हैं। जो आप पानी देख रहे हैं, यह लगातार 3 से 4 दिन बारिश की वजह से जमा हुआ था, लेकिन पानी की निकासी का कोई भी समाधान नहीं है। यह लाइव तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, यह पानी की निकासी संस्कृत मॉडल स्कूल के अंदर एक नाले के माध्यम से हो रही है, जिससे स्कूल की व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि कैसी आपको नज़र आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि यह है हमारे स्कूलों की व्यवस्था। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का किस प्रकार से माहौल डगमगाया हुआ है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार चिराग योजना लेकर आई है, जिसे सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक नई योजना है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में तब्दील करके एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार तैयार कर रही है। लेकिन वास्तव में सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर आपको नजर आएंगी, वह बहुत ही निंदनीय दिखाई दे रही है। एक स्कूल की तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। लोहारू के नेशनल हाईवे 709 पर बने स्कूल को कुछ ही दिन पहले संस्कृति मॉडल स्कूल में तब्दील किया गया था, लेकिन अभी भी संस्कृति मॉडल स्कूल की कक्षाएं पुराने जर्जर हालात के कमरों में लग रही हैं। थोड़ी सी बरसात से ही स्कूल के हालात बिगड़ जाते हैं, पानी कमरों में पहुंच जाता है। यहां की जो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें हैं। ना ही यहां पे सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कूड़ा कचरा एक तरफ फैला हुआ है तो दूसरी तरफ पानी जमा हो रखा है। ये तस्वीरें आप संस्कृति मॉडल स्कूल लोहारू के लाइव देख रहे हैं। ये जो पानी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लोहारू भिवानी रोड के ऊपर जमा पानी है, लेकिन पानी की निकासी कहीं पर भी ना होने की वजह से पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया है, जो स्कूल के अंदर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यह स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है, इसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, नई बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन यहाँ तस्वीरों के अंदर आपको एक ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे हैं हमारे हरियाणा के स्कूल, क्योंकि सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। मैं दूसरी तरफ आपको एक तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा, जो राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला की है, जहाँ की तस्वीरें भी सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पानी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि स्कूल का रास्ता बिल्कुल ही अवरुद्ध हो चुका है। आने जाने वाले लोगों के लिए भी समस्या बनी हुई है, तो दूसरी तरफ बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उन्हें भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।